नमस्कार, मैं हूँ रुचा अनुरोध और आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 3। ये सीरीज एक खास इनिशिएटिव है स्लीवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का, ताकि हम उन इश्यूज पर चर्चा कर सकें जो सीधे सीधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारी इमोशनल वेलनेस पर असर डालते हैं। और कई बार जानते हैं क्या होता है, हमें एहसास ही नहीं होता कि ये इशू हमारी मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन दिनों इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की। वो रिश्ता चाहे शादी का हो, चाहे माता पिता का अपने युवा बच्चों से हो, या दो बच्चों का आपस में हो, दो भाइयों का या भाई बहन का या दो बहनों का, या फिर ऑनलाइन रिलेशनशिप्स हो। तो आज हम बात करेंगे पेरेंट्स की रिलेशनशिप अपने युवा बच्चों के साथ, इसके बारे में, और साथ ही दो बच्चों के आपस की रिलेशनशिप की। और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से ममता वैश्य। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें दिल की। थैंक यू रिचा। ममता, आप भी मानेंगे कि बहुत सालों से एक धारणा रही है कि माता पिता जो कहेंगे वो बच्चा सुनेगा, मतलब सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आज भी है मुझे लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बदलाव आ रहे हैं। वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो हर किसी की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले आप इस पर रोशनी डालें कि पेरेंट्स और युवा बच्चों के रिश्ते किस तरह बदल रहे हैं। तो ऋचा, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इस बारे में कि जब बच्चा पैदा हुआ उसकी कैसे परवरिश करो, क्या आहार दो, कैसे उसका ध्यान करो, माँ कितनी देर गोदी में उठाए ना उठाए, कहाँ सुलाए, सब पता है। फिर आता है टीनेज पीरियड। अब टीनेज पीरियड बड़ा चैलेंजिंग लगता है माँ बाप को, बच्चे बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। तो उस पर भी फिर भी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये एक तीसरा स्टेज है जो किसी ज़माने में माना जाता था कि आप बच्चे से फ्री हो गए, यू नो, चाहे उनकी शादी हो गई, उनकी जॉब लग गई, इट वाज जैसे दूसरे शहर में चले गए, तो जैसे कोई एक माइलस्टोन्स है वो हो गए, तो अब माँ बाप फ्री निश्चिंत। वो अब नहीं हो रहा है। अच्छा, वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारे समाज में, जिसमें या तो बच्चों की आजकल पढ़ाई लंबी चलती है, तो जिसका मतलब है कि कहीं पे अडल्ट होना डिले हो गया है, क्योंकि अभी भी अगर वो लंबी देर तक पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं पे वो माँ बाप पे निर्भर तो रहते ही हैं, एक वो वाली कैटेगरी है। फिर दूसरा कुछ ऐसे हैं जो नौकरी भी मिल गई लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए, तो माँ बाप के पास वापस आके रहने लगे, क्योंकि जो भी रहन सहन के खर्चे हैं वो काफी बढ़े हुए हैं, खास तौर से बड़े शहरों में। कुछ लोग शादियां लेट करते हैं, क्योंकि सब लड़के लड़कियां चाहते हैं कि आराम से पहले नौकरी करें और थोड़ा सा जब सेटल हो पाए फाइनेंशियली तब शादी करें। तो ऑल इन ऑल वो जो निश्चिंता वाली स्टेज होती है वो वहां तक पहुंचने में, वैसे तो मैं ये कहूंगी कि माँ बाप कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होते, लेकिन वो वाली स्टेज तक भी पहुंचने में अब ज्यादा वक्त लगने लगा है। तो ये रिश्ता, इसमें जैसे आपने कहा कि पहले बहुत रिस्पेक्ट ज्यादा थी और अब जो चेंजेस हुए हैं अच्छे हैं बुरे हैं, मैं कहूँगी अच्छे बुरे तो पता नहीं और गलत सही कुछ होता नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर हो गए हैं, और बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए, क्योंकि वो बच्चे नहीं है, वो भी बालिग हैं, वो एडल्ट्स हैं बस, लेकिन माता पिता को बच्चे ही लगते हैं। हाँ, सो सारी समस्या असल में यहीं से आ रही है कि पेरेंट्स को अभी भी वो लगता है हमारे बच्चे ही तो हैं, तो रोक टोक क्या करना है क्या नहीं करना वो सारा, और जो उनको लग रहा है कि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो बच्चों को लगने लगता है कंट्रोल, क्योंकि वो अपने को कहीं पे बहुत समझदार और मैच्योर देखते हैं अपनी नज़र में, और देखना चाहते भी हैं, लेकिन कहीं पे अभी वो पूरी तरह से अडल्ट भी नहीं हुए हैं, क्योंकि कोई लेवल की एक निर्भरता अभी उनकी है अपने माँ बाप पे। सो इसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, और दोनों इस रिश्ते पे मतलब तनाव आ रहा है, तनाव आ रहा है। अब ममता, आपको ये भी लगता है कि जैसे अभी सिर्फ एक पीढ़ी तक के पहले तक की बात करें तो जिस तरह की वैल्यूज थी सोसाइटी में, या जैसा एक ताना बाना था समाज का, पिछले 10-12 साल में अचानक इंटरनेट और इतना सब कंटेंट की बाढ़ सी आ गई है, ये बदलाव बहुत जल्दी आया है, जो डिजिटल इसका जो हम कहेंगे,
उसकी वजह से ये दो पीढ़ियों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे हमारे माता पिता से जितना गैप रहा होगा, गैप तो हर जनरेशन में होता है ना, जी बिल्कुल, हमारा उनसे जितना रहा होगा, लेकिन हमारी भी एक थोड़ी सी कंडीशनिंग, अभी वाले जो माँ बाप है, जो जनरेशन है, वो अपनी पूरी पुरानी वैल्यूज को छोड़ नहीं पाई है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हम अभी भी कुछ चीजों में अपनी जड़ों से जुड़े हैं और ये पीढ़ी का जुड़ाव उतना नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जेनरेशन गैप वर्ड तो हमेशा यूज होता था कि हाँ भाई दो पीढ़ियों में अंतर है सोच में, एक्सपीरियंसेस में, लेकिन अब हाँ इंटरनेट की वजह से बहुत फास्ट हो गई और ये दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ गई। पहले क्या था, आप एक आज्ञाकारी बच्चे हैं ये एक तारीफ की बात थी। आज आपको कोई ये नहीं कहेगा बी ओबीडियंट। आज्ञाकारी बच्चा होना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि हम जैसे माँ बाप ही शायद अपने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपना दिमाग क्लियर होना चाहिए, अपनी बात निडर होके कहो, ये नहीं रियलाइज करते हैं हमारे ऊपर भी सेम आ रहा है। सो वो एक बदलाव आया है जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़े, इसलिए शायद माँ बाप ने ये शुरू किया और उनका एक कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़े, लेकिन उसकी वजह से रिश्ते में दिक्कत आती है। वो जो एक क्लियर लाइन थी ना कि पेरेंट और चाइल्ड वाली, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पे। और मुझे तो पता नहीं क्यों, पर्सनली स्पीकिंग मुझे तो इस शब्द से बड़ी तकलीफ होती है जब कहते हैं कि अपने बच्चे के दोस्त बनो। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकती हूँ, कि माता पिता को माता पिता ही रहना चाहिए, वो दोस्त कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल, अब पता नहीं काउंसलिंग के उसमें आप इसको क्या कैसा समझे। आप बिल्कुल सही कह रही है ऋचा, माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो माता पिता है, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो बताते ही रहेंगे क्या करो। उसका मतलब ये है कि इस रिश्ते की जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर है। तो असल में दोस्ती का रिश्ता तो बराबरी का रिश्ता होता है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि बराबरी का है ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने बच्चे को कम समझना है, बल्कि पूरी इज्जत देनी है, पर रिश्ते की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो अगर कोई बहसा बहसी है तो उसमें माता पिता अपने ईगो के चक्कर में अपनी बात मनवाएं वो नहीं, या बच्चे को कोई तकलीफ है तो उसमें ये सारा दायित्व माँ बाप पे ही है कि वो देखें क्या तकलीफ है, उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं। तो जिम्मेदारी बहुत लेनी पड़ती है। अब हम इसको मेंटल हेल्थ के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने कहा आपसे, पहले की पीढ़ियाँ, चाहे वो हमारी हो, हमारे माता पिता की हो, दो तीन पीढ़ियों तक भी अगर हम बात करें, पिता ने, मतलब माता पिता में भी, खासकर अगर पिता ने कोई बात कह दी, अब वो बेटे बेटी को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, चाहे वो आगे सारी जिंदगी घुट घुट के जीने वाले, हम कितनी पुरानी फिल्मों में भी देखते थे किसी से प्यार है लेकिन शादी नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी ने मना कर दिया, वो एक धीरे धीरे वो चेंज हुआ, लेकिन पिछली तीन पीढ़ियों में कम से कम ये था कि बड़ों का डिसीजन सबसे ऊपर होता था। उसमें भी घुटन होती होगी, उस समय मेंटल हेल्थ इतना बात नहीं होती थी, या फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन शब्द नहीं किसी को पता थे, लेकिन आई एम श्योर जिस व्यक्ति की इच्छाएं दबा दी जाती होंगी वो उसको होता होगा, वो लाइफ लॉन्ग फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन होता होगा। अब जो हो रहा है वो बहुत अलग है। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा ना मेंटल हेल्थ के नजरिए से बताएं, मेंटल हेल्थ इश्यूज अभी भी हो रहे हैं, वो वाले और अभी वाले इश्यूज कैसे कैसे बदलाव आया है। सो क्या है ऋचा, पहले भी जैसे आपने कहा कि बच्चों की मर्जी के खिलाफ अगर माँ बाप कुछ कर रहे हैं, या कड़वे शब्द बोल रहे हैं, या बच्चे की आवाज उस परिवार में कोई मायने नहीं रखती, तो उससे उसके ऊपर क्या असर हो रहा है, वो अगर डायग्नोज नहीं हुआ, कोई मेंटल इलनेस का नाम नहीं दिया गया, तो ठीक है हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है उसके अंदर, पर हमें ये ज़रूर मालूम है कि माँ बाप के संग का जो रिश्ता था वो उतना अच्छा नहीं हो पाता था। बच्चे बहुत छुपाते थे कई बार, मतलब मैं हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ, पर कई बार छुपाना, उनसे डरना, और उस डर को भी लिहाज का नाम देना कि मतलब अगर सिगरेट पीते हैं तो ये एक बड़ी बात है कि मेरा बेटा मेरे सामने सिगरेट नहीं पीता, तो इस छुपाने की भी तारीफ होती थी, ना कि आज की डेट में हम ये कहते हैं कितना खुलापन है, हमारा बच्चा हमसे आके कुछ भी कह सकता है, और ये हर माँ बाप की उम्मीद और इच्छा होती है कि कल को किसी मुसीबत में हो तो वो ये ना कहे कि ओह उन्हें ना पता चल जाए, बल्कि ये कहे सबसे पहले मैं उन्हें फोन करूं। हाँ, ट्रू। तो
तो आज के डेट में क्या है, चीज़ें डायग्नोज हो रही हैं, उन पे लेबल लग रहे हैं, तो आपको पता है कि इनको एंजाइटी हो रही है या इनको ट्रॉमा वर्ड बहुत लूजली यूज हो रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन मेरा जो ख्याल है, एक बहुत बड़ा जो शिफ्ट आया है वो है माता पिता और बच्चों का रिश्ता कैसा हो, इस पे ध्यान जाने लगा है। पहले आपसी रिश्ते के ऊपर ध्यान नहीं था, ये था माता पिता हैं, उनकी इज्जत करनी है, उनकी बात सुननी है। हाँ। बात नहीं सुनी गई तो आपको डांट पड़ेगी, आपके ऊपर जो भी सख्ती करी जाएगी। आज ये है कि हम जो भी करें लेकिन हमारा रिश्ता कैसा है, इस पे बहुत फोकस हो गया है। और वो ऑब्वियसली एक मुश्किल काम तो है ही, एक रिश्ते, एक और रिश्ता है जिस पे आपको काम करना है। तो उन माता पिता को अगर समझना है कि हमारे आज के अडल्ट बच्चे को क्या चाहिए, तो आज क्या चाहते हैं वो बच्चे? रिचा, जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो तो है इज्जत और आजादी। पहले तो इज्जत, मतलब ये नाम, ये बच्चों को इज्जत नहीं करता था कि बच्चों को कौन इज्जत देता है। बिल्कुल, बच्चों की इज्जत की तो कोई बात ही नहीं करता था। और आजकल ये है कि इज्जत तो चाहिए, और इज्जत इस बात की नहीं कि क्या उम्र है या किस लायक है, इज्जत इसलिए कि वो इंसान है तो उनकी भी मर्जी है, उनकी इच्छाएं, उनके सपने और उनकी अपनी काबिलियत। तो एक इज्जत चाहिए, इंडिविजुअलिटी, मतलब उसकी बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत अहमियत दी जाने लगी है। कि जैसे कि अगर मान लीजिए, मैं जानती हूँ किसी को जिनके बच्चों को मंदिर जाना नहीं पसंद, इसलिए नहीं क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं करते, इसलिए कि उन्हें लगता है वहाँ गंदगी है और जो अगरबत्ती की खुशबू है उससे उनका दम घुटता है। अब पुराने ज़माने में, या लेट्स से पुराना ज़माना भी क्या, आज से 20 साल पहले भी, माता पिता को लगेगा ये तो बहुत बड़ी बात है, कैसे नहीं, तो ज़बरदस्ती करेंगे। आज बच्चे की पसंद नापसंद इतनी अहमियत रखती है कि मानेंगे, अच्छा ठीक है, इसको इसमें कष्ट है, ना जाए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ जहाँ पसंद नापसंद को काफ़ी अहमियत दी जाती है, और ये बच्चों को चाहिए भी और उन्हें मिल भी रहा है कई बार नहीं भी मिल रहा, हर घर अलग है। तो ये तरीका होता है इज्जत देने का, कि जब भाई आपकी इच्छाएं दूसरे को उसकी परवाह है, या आपकी जो आवाज है, जो आप कह रहे हैं ये ठीक है ये गलत है, उसकी भी कोई सुनवाई है, ना कि एक परिवार में सिर्फ माँ बाप की या उनके माँ बाप की आवाज है, आपकी कोई नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो उन्हें चाहिए। बट ममता जी, एक उसका एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है ना, काउंटर आर्ग्यूमेंट, कि ये तो हम फिर वेस्ट की तरह हो गए कि हमने परिवार के बड़े बड़े कुछ कह रहे हैं, कोई पुरानी चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मंदिर जाने की बात नहीं कर रहे, कोई भी चीज जिसमें बच्चों को आपत्ति हो सकती है। तो कभी कभी हमारे हमेशा सिखाया जाता था, नहीं भी अच्छा, अभी नहीं भी अच्छा लग रहा है तो करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर हम बिल्कुल पूरी तरह से ये वाली आजादी दे देंगे, जो कि बहुत घरों में दी भी जा रही है, तो फिर हम वही हो गए जो पश्चिम में हो रहा है। तो क्या हम सही रास्ते जा रहे हैं? ऋचा, इसमें कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हम अपनी जो भी राय, जो बात है, उसको हम ऊपर से ना थोपें, बल्कि हम आमने सामने बैठ के बातचीत करें। तो उसमें जब हम ये कहते हैं कि बच्चे की भी कोई आवाज हो, बच्चा मतलब बालिक बच्चा, ये जो अडल्ट चाइल्ड है, इसकी आवाज हो, उसका ये मतलब नहीं आप उसकी बात मानिए, उसका ये मतलब है वो अपनी बात कह पाए निडर होके, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। फिर उसके सामने आप बताइए आपके क्या इसके पीछे लॉजिक है, आप क्या सोच है। और फिर ये इज्जत का फैक्टर जो है, उसका ये मतलब है वो आपकी बात, आपकी मर्जी की इज्जत करें और आप उनकी। तो कहीं बीच में एक समझौता निकलेगा ही। ये मुश्किल है, जैसे मैंने कहा, अच्छा रिश्ता है तो मुश्किल हो ही गई, उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आइडिया ये है कि आपसी बातचीत से, कम्युनिकेशन से, एक दूसरे को की बात को अहमियत देने से एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। नहीं तो बच्चे क्या है, आपके बड़ों के पास बैठना अवॉइड करते हैं, अपने दोस्तों में ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा होना चाहिए कि उनको खुशी मिले अपने घर आके, अपने पेरेंट्स से बात करके वो। और फिर जब उनकी शादी भी हो जाए, तो कुछ बच्चे तो, ऋचा मैं आपको बताऊं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं
जिन्होंने अपनी शादियों में मान लीजिए गलत फैसले करे, तो शायद उनके फैसले के पीछे सोच होती है कैसे इस वातावरण से भागना है। तो गलत कारण से आप अपना पार्टनर ढूंढते हैं, खासकर लड़कियों में ज्यादा होता है या दोनों में? भाई लड़कियों में इसलिए क्योंकि वो तो इस घर से चली जाएगी ना, तो उनके लिए तो भागना संभव है। कई बार लड़कों में भी हो सकता है, लेकिन लड़के जरूरी नहीं हमेशा भाग पाए। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स का साथ उनको पसंद हो, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जिम्मेदारी इस बात की माँ बाप पे आती है। अच्छा, लेकिन फिर ममता जी, आपकी सारी बातों से वही लग रहा है कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की है? आज के युग में अडल्ट बच्चे से निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ अभी माता पिता पर ही है? जैसे मैंने कहा, रिश्ता ही ये है कि जिम्मेदारी माता पिता की, यही मतलब है माता पिता होने का, आप दोस्त नहीं है। लेकिन हाँ, दायित्व दोनों का है बराबर। दोनों को, जब हम इज्जत की बात कर रहे हैं, दोनों को इज्जत देनी है, दोनों को कम्युनिकेशन का अपना चैनल खुला रखना है, दोनों को एक दूसरे के लिए एक अंदर से ग्रैटिट्यूड जिसको कहते हैं, एक दूसरे के लिए महसूस होना चाहिए, एक दूसरे के संग कुछ हल्के फुल्के पल भी बिताने चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को ज़रूरत है तो माँ बाप से बात करी, माँ बाप को कुछ काम करवाना है तो बात कर ली, नहीं, अच्छे खुशी के पल संग बिताएं, अपनी अपनी एक सीमाएं जिसका कि उल्लंघन दूसरा ना कर पाए, बाउंड्री सेटिंग, वो दोनों को ही करनी है। तो बराबर है, अडल्ट बच्चा हो गया तो उसको भी उतना ही करना है। माँ बाप का थोड़ा सा ये हो जाता है कभी कभी कि अगर उनकी आर्थिक स्थिति अपने बच्चे से बेहतर है, तो वहाँ पे बहुत से माँ बाप पैसे का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने को, उसके बजाय अपनी जो भी परिस्थिति है उसके अंदर अगर मदद कर सकते हैं तो करें। और ये विश्वास का रिश्ता है, तो बच्चे भी नाजायज फायदा ना उठाएं और माँ बाप इसको दखल देने का एक वो ना बना लें, एक टूल कि अच्छा भाई हम मदद कर रहे हैं तो अब हम तय करेंगे तुम किस पे खर्चो, क्या फिजूल खर्ची है, वो भी नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चे पार्टनर अपना चूज करते हैं, तो उस पार्टनर से अगर रिश्ता बनाएंगे माँ बाप, तो वो भी एक तरीका होता है अपने बच्चे के करीब आने का। या पार्टनर नहीं है तो उनके दोस्त हैं, आप उनमें इंटरेस्ट लीजिए तो एक बॉन्ड गहरा होता है। इसी तरह जब ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, पोते पोती होते हैं, तो माता पिता को अक्सर ये लगता है जैसे उनको पालने में हमें मदद करनी है या हमें जिम्मेदारी लेनी है, जबकि अपने बच्चे वो खुद पालेंगे। हमको क्या करना है, हमको उनका उत्साह मनोबल बढ़ाना है अपने बच्चे का, ना कि उनके बच्चों का। हमें उनकी मतलब जो भी अड़चने हैं उन्हें दूर नहीं करना है, वरना वो आत्मनिर्भर भी नहीं बनेंगे और वो अपनी आंखों में अपने आप को सक्षम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सब कुछ उन्हें करना है, अपने ढंग से करना है, पर हमारा पूरा सपोर्ट होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जीवन की जो भी तकलीफें या चैलेंजेस हैं उसको हैंडल करने में सक्षम हो पाए, क्योंकि उनको पता है हाँ है कोई जो हमारी देख रेख कर रहा है। लेकिन इसमें कई बार थोड़ा सा वो तालमेल बिगड़ जाता है और माँ बाप अपनी केयर को कई बार कंट्रोल में बदल देते हैं और बच्चे कई बार सीमा का उल्लंघन कर लेते हैं और माँ बाप का बहुत फायदा उठाने लगते हैं। तो वो जो तालमेल है वो बैलेंस। जब चूंकि रिश्तों की बात हो रही, तो मैंने एक बहुत खूबसूरत बात सुनी थी, रिश्तों में प्रेम होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। और ये खासकर पेरेंट्स और बच्चों के बीच होता है कि आप अपने बच्चे से प्रेम कीजिए, लेकिन जहाँ मोह आ जाता है वहाँ आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और प्रेम होगा तो आप उसको फ्री भी छोड़ देंगे। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात है ये। और ये ही है ना कि अगर हम ये फोकस करें कि हम चाह क्या रहे हैं, हम एक अच्छा रिश्ता चाह रहे हैं। अब वो अच्छा रिश्ते का मतलब है, बच्चा कह रहा है कि मैं रसोई में हेल्प करूंगा, आप कह रहे हो नहीं मेरे फोन में हेल्प करो, तो अल्टीमेटली हमें ये देखना है तरीका क्या है। वो उनको चूज करने दो, आप अपना चूज करो, लेकिन गोल एक ही है कि आपसी बॉन्डिंग हो, क्लोजनेस हो। तो हम अगर गोल पे फोकस्ड हैं और अपने तरीके पे नहीं अड़ रहे, सो जैसे अभी मुझे कोई, मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि कैसे उसके बेटा और उसका बहू, उनको रसोई में जाना नहीं पसंद था,
लेकिन बाद में जब वो लोग घर शिफ्टिंग कर रहे थे तो सारा काम बेटे बहू ने करा, तो उसको लगा कि देखो कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल करते हैं, लेकिन अगर मैं इसी बात पे अड़ी रहती कि रसोई में नहीं मदद करते हैं तो मैं मिस कर जाती इस बात को कि उनके मन से किस चीज किस तरह से प्यार और कदर दिख रही है। जब अडल्ट बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, चाहे नौकरी के लिए और स्पेशली विदेश, या शादी हो गई अपना दूसरा घर ले लिया, तब जो 25-30 साल का रिश्ता माता पिता के लिए रहा होता है उस बच्चे के साथ, वो कैसे कैसे डील करें उस लॉस के? एक तरह से लॉस ही होता है, बच्चा चला गया। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से माओं के लिए अगर होम मेकर माँ है तो और ज्यादा कैसे डील करें वो लोग? तो मुश्किल तो होता है, जिसको इंग्लिश में एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं कि आपका घोंसला खाली हो गया, तो तकलीफ तो बहुत होती है, क्योंकि एक उम्र तक के बच्चों को माता पिता की जिंदगी उनके इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो अब आना जाना हो, चाहे खाना पकाना हो, चाहे कमाई हो, हर चीज़ यही सोच है कि बच्चों की ज़रूरत क्या है। और फिर जब बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, एक तरफ आपको बहुत खुशी होती है कि वो आत्मनिर्भर हैं, और एक तरफ एक अजीब सा अकेलापन और सन्नाटा छा जाता है। और बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनकी फिर ज़िंदगी घूमने लगती है, उन बच्चों का फ़ोन आएगा या वो कब हमसे मिलने आएंगे, फिर उसके इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगी घूमने लगती है। लेकिन उस समय सबसे ज़रूरी है कि अपने आप से रिश्ता कैसा है माँ बाप का, अपने आप से मतलब आपसी नहीं, मतलब मेरा मुझसे स्वयं से। सो वो रिश्ता कैसा है, क्योंकि वो तय करेगा फिर आपका रिश्ता आपके बालिग बच्चों से कैसा है। कितना आपने अभी तक वक्त दिया उसको, नहीं दिया तो अब दें। और अपना ध्यान रखना, चाहे वो अपने फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सपोर्ट ग्रुप हो, कम्युनिटी हो, कुछ लोग अपने RWA में ही एक पर्पस ढूंढ लेते हैं, या जो भी अपनी एक लाइफ, अपनी कुछ लोग गार्डन्स में जाके लाफ्टर क्लब का वो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें, चाहे अपनी सेहत का ध्यान तो करना ही है, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का ध्यान करना है, अपनी इंडिपेंडेंस को गंवा नहीं देना जस्ट बिकॉज आप एक उम्र के हो गए हो तो अब जैसे हम बिल्कुल ही निर्भर हो गए बच्चों पे, लेकिन अपने को खुश रखने के तरीके और वो सबके अलग होंगे। और ये जब रिश्ता आपका अपने से होगा तो बच्चे फिर आपके पास आना अपनी ड्यूटी नहीं समझेंगे, उनको गिल्ट नहीं होगा कि हमने छोड़ा हुआ है अपने माँ बाप को, वो खुशी से आपके पास आएंगे क्योंकि उनका मन करेगा। तो चलिए, अब रिश्तों की बात हो रही है तो माता पिता और बच्चों के साथ साथ बच्चों के आपस के सिबलिंग्स, जिनको हम कहते हैं भाई बहन या भाई भाई या बहनें, बहुत अलग अलग हैं, क्योंकि बहनें अगर हैं तो दो अलग घरों में शादी हो गई है, फिर उनका रिश्ता कैसे होता है। भाइयों का है तो दो बहुत अलग घरों की लड़कियां उस घर में आ रही हैं, उस परिवार में आ रही हैं, हो सकता है उन दोनों लड़कियों की अपब्रिंगिंग बहुत अलग अलग हो, और वैसे ही भाई बहन का भी। ये रिश्ते अच्छे चलें, क्योंकि आजकल एक एक दो दो में भी बहुत दरारें हैं। पहले हम देखते थे कई बार 6-6, 7-7 भाई बहन जब होते थे तब भी ज्यादा प्यार से शायद रह लेते थे, आजकल दो में भी दरार है। क्या, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग एंड क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? माँ बाप के ऊपर आ जाती है जिम्मेदारी एक तरह से। यहाँ पर भी रिश्तों में बदलाव आया है, जनरेशन रिश्तों में बदलाव आया है ऋचा, क्योंकि यहाँ पे एक तो अब हम लड़के लड़की के बीच का भेद खत्म कर रहे हैं। तो ज्यादातर घरों में अगर पहले ये था कि लड़के को एक ढंग से पाला गया है और उसको ये सिखाया गया है अपनी बहन का तुम्हें ध्यान रखना है, तो वो रिश्ते की एक हम अलग तरह से नींव रखते थे। अब ये बराबर हो तो इसमें कोई किसी का ख्याल करेगा ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, पहले था जो बड़ा बच्चा होता था, मान लीजिए दो लड़के हैं या दो बहनें हैं, तो जो बड़ा बच्चा है उसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती थी, वो वाली चीज़ में भी बदलाव आया है। सब बराबरी का क्योंकि हो रहा है, और शायद इसमें कहीं पे जो इनहेरिटेंस है, जो पैसे हैं, उसमें भी क्योंकि बराबरी है तो हर चीज़ में एक बराबरी लाने की जो कोशिश की गई वो बहुत अच्छी भी है, पर उसकी वजह से कहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है कि भाई जिम्मेदारी फिर किसकी है। तो जिम्मेदारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? जब पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत पड़ती है, तब इस रिश्ते पे सबसे ज़्यादा दबाव आ जाता है कि भाई कौन देखभाल करेगा माँ बाप की, तो उसमें एक इशू आता है।
कई बार माता पिता खुद ही बच्चों के बीच इतनी कॉम्पिटिटिव भावना डाल देते हैं ना, चाहे वो मार्क्स के ऊपर हो, चाहे व्यवहार पे हो। अक्सर जो बच्चा बहुत सीधा साधा मुंह न खोले वाला होता है उसको माँ बाप बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छा तारीफ करेंगे। जो बच्चा ज्यादा बहसा बहसी करता है वो माँ बाप को परेशान करता है, तो उसकी बुराई होगी। और फिर जब बड़े होंगे यही भावनाएं लेके वो बच्चे बड़े हुए, तो उनके मन में उस एज में ये बहुत आएगा कि इसको ज़्यादा प्यार मिला, इसको ज़्यादा तारीफ मिली, कि इसको ज़्यादा पैसे मिले। ये सब जो अपने बचपन का और बड़े होने का सारे अंदर इमोशंस भरे हुए हैं, ये जब इस रिश्ते पे प्रेशर आएगा तब वो उभर के आएगा। और देखिए यहाँ पर भी आपने जैसे आपने पेरेंट्स और बच्चों की बात कही थी, यहाँ पर भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स पर ही डाली है। हाँ। कि सिबलिंग्स का मतलब मुझे आपकी बात से समझ में आया कि बड़े होके बच्चों का आपस में रिश्ता कैसा होता है, ये बहुत ज्यादा इस बात पे निर्भर करता है कि माता पिता ने उन्हें कैसे बड़ा किया। सो कहीं पे वो कॉम्पिटिटिवनेस की जो फीलिंग है वो काम नहीं आती। बचपन में तो माँ बाप सोचते हैं आएगी क्योंकि इससे प्रोत्साहित होंगे और बेहतर करने को, लेकिन असल में वो अपने दोनों बच्चे जो हैं सिर्फ अपने माँ बाप का अप्रूवल और प्यार चाह रहे हैं। तो वो कंपटीशन मार्क्स का ना होके माता पिता के अप्रूवल का कंपटीशन हो जाता है, जो फीलिंग बड़े होने तक रहती है। तो अब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं आजकल के रिश्तों में जो पहले दो पीढ़ी पहले या एक पीढ़ी पहले नहीं थे, तो अब आज आप अगर मैं कहूँ कि व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहेंगी, पेरेंट्स अपने अडल्ट बच्चों से कैसे बेहतर रिश्ते बना पाएं और कैसे वो ये इंश्योर कर पाएं कि उनके दो अडल्ट बच्चों में भी अच्छा रिश्ता है, जब चाहे उन बच्चों की जब शादियां भी हो जाएं सब कुछ, लेकिन प्यार और एक सम्मान बना रहे। कम्युनिकेशन, आपसी बातचीत वो होती रहे, जिसमें अपनी अपेक्षाएं, अपने एक्सपेक्टेशंस, अपनी समझ बच्चे और माँ बाप एक दूसरे को देते रहें। इज्जत, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है, और वो बच्चे भी माँ बाप को दें और माँ बाप बच्चों को दें, तो एक इज्जत से करीबी बातचीत बहुत चीज़ों को सुलझा सकती है। दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे हैं बड़े हो गए, सारी ज़िंदगी अगर यही बोझ लेके चलते रहेंगे कि माँ बाप ने तुम्हें ज़्यादा प्यार किया, तुम्हें ज़्यादा दिया, तो वो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता जो है भाई बहनों का या बहनों का भाइयों का, उससे अपने को वंचित रखेंगे। क्योंकि ये दोस्ती से भी गहरा रिश्ता होता है, जिसमें आपका जो पास्ट है, जो आपकी हिस्ट्री है, वो आपको जोड़ती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि माँ बाप को अपनी समझ के हिसाब से जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने करा, लेकिन अब अगर आप समझ रहे हैं कि कहीं पे आपको चाहिए अपने भाई या बहन से अच्छा रिश्ता, तो आप उसकी जिम्मेदारी उठाएं और एक टीम, एक सपोर्टिव टीम की तरह काम करें, ना कि दो प्रतिद्वंदियों की तरह। बहुत खूबसूरत बातें आपने समझाई हैं ममता जी, और मुझे लगता है कि हम सबको ये समझना होगा कि कोई भी रिश्ता चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। माता पिता भी ये समझें कि अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको प्यार के साथ साथ अब सम्मान की भी जरूरत है, वो छोटा वाला बच्चा नहीं है जिसकी जरूरत सिर्फ प्यार थी जी। और मुझे लगता है कि आज के एडल्ट बच्चों को भी समझना चाहिए कि माता पिता की जगह माता पिता की ही है बिल्कुल, और उनका अपमान किसी भी तरह से, आप कितने भी आजाद ख्यालों के हों, लेकिन माता पिता का ना अपमान होना चाहिए ना उन्हें अकेला छोड़ा जाना चाहिए। और सिर्फ दो दो भाई बहन होते हैं तो मुझे लगता है कि छोटे परिवार हैं, जरूरी है वो हम सब मिलकर जुड़कर रहें ताकि बच्चों को भी एक अच्छा परिवार और एक हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। बट थैंक यू सो मच ममता जी, इतनी अच्छी आपने बातें बताई और मुझे यकीन है कि हमारे व्यूअर्स के बहुत काम आएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।